हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का स्वागत है। और हम यहाँ कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देखेंगे कि अगला सप्ताह आप सबके लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे सबसे पहले फायर साइन की, एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए क्या है नेक्स्ट वीक में। सो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि, आपके लिए जो एनर्जी ऑरेकल डेक है इन्हें ओवरऑल इस महीने का मास्टर कार्ड जो है वो आपके लिए क्या कहता है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। ऑल राइट, वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सो एक तो 13 या 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, दूसरा थोड़ा बहुत पैसा पैसा पैसे की कमी, पैसे के खर्चे, इन सब चीजों पे आपका फोकस जो है वो रहेगा इस वीक में। फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हुए, पैसे को खर्च करते हुए थोड़ा सोच रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट। सो बेसिकली अगर मैं आपकी इस वीक को देखूं मेष राशि, मुझे आप थोड़ा सा वेटिंग में दिख रहे हो, इंतजार कर रहे हो, ठीक है, और थोड़े से अकेले भी दिख रहे हो। विद दिस एट ऑफ कप्स हो सकता है लव लाइफ में आपने अपनी एनर्जीज किसी से वापस ले ली हैं, ठीक है, और आप कहीं मूव कर रहे हो, सेल्फ अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। मे बी आप में से काफ़ी लोग जो है सेपरेशन में है और वो चाहते हैं कि उनका जो है वो रिकन्सिलेशन हो जाए या बातचीत हो जाए, या आप अपने प्रेयर्स में, अपने मैनिफेस्टेशन में अपने पर्सन को, पार्टनर को मांग रहे हैं। या मे बी आप में से काफ़ी लोग अपने अकेलेपन को, अगर आपका कोई सेपरेशन नहीं है तो भी जो जो एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं वो आप चाहते हो कि इस टाइम ड्यूरेशन में वो निकल जाए, ख़त्म हो जाए। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट। सो इट सीम्स कि यस, फाइनेंस आपका फोकस है। मे बी आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं प्रेजेंट टाइम में, और आपका फोकस रहे कि आप उन्हें किस तरीके से बेटर कर सकते हो। थोड़ा बहुत सोच विचार चल रहा है, बड़ी मेच्योरिटी, बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ आप अपना समय बिताते हुए दिख रहे हो मेष राशि। मुझे ये भी दिख रहा है मेष राशि कहीं ना कहीं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपकी सेल्फ अवेकनिंग का है। यहाँ आप हील कर रहे हो किसी भी सिचुएशन से, किसी भी, जैसे फाइनेंशियल कंस्टेंट भी फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बेसिकली, तो फाइव ऑफ पेंटिकल एक लोनलीनेस की एनर्जी, जैसे सब कुछ चला गया है और अब आप हो और अब आप चाहते हो कि दोबारा से कैसे खड़े हुआ जाए। किसी के पास जाना चाहते हो, किसी को पास बुलाना चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी चाहते हो, उस अपॉर्चुनिटी के लिए मेहनत करते हुए, पार्टनरशिप में जाते हुए, ये सारी दिमाग में आपके थॉट्स जो हैं वो चल रहे हैं इस पर्टिकुलर वीक के अंदर। सो वही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा। ऑल राइट, सो एक सो वीक जो है मेष राशि वो मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। चलिए नाउ देखते हैं 4 से 10 सितंबर 2022 सिंह राशि के लिए कैसी है। फायर साइन में नेक्स्ट राशि आती है लियो, तो लेट्स सी सिंह राशि के लिए कैसी है, कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक 4 से 10 सितंबर। ओके, वी हैव अप्रिसिएशन नंबर 15, सो 15 और 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है सिंह राशि। जाहिर सी बात है अप्रिसिएशन है तो आपको कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है, आपके वर्क प्लेस पे आपके पार्टनर से कोई प्रपोजल मिल सकता है अगर आप सिंगल हो तो, जिस चीज को आप चाह रहे हो, ठीक है, वो जिस काम को आप करना चाह रहे हो उस काम को आप करो और उसमें आपको सक्सेस मिले, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हाई प्रिस्टिस द फूल, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, साथ में से काफी लोगों का लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, ठीक है, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कोई ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में जो कि रिमूव हो सकते हैं, ठीक है, और आप रिमूव करना चाहते हो। हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो लेकिन वो, उसके पास कोई चॉइसेस हैं, या उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, या आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, बट अब आप चाहते हो कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ो। आप थोड़े से कन्फ्यूज भी दिख रहे हो यहाँ पे सिंह राशि के, आप शायद थोड़े से कन्फ्यूज हो इस वीक के अंदर। एंड वी हैव हाई प्रिस्टिस एंड द फूल, जो कि मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हो, हीलिंग चल रही है या हीलिंग कंप्लीट होने वाली है, एक
डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग निकले हुए हो, और वहाँ पे आपकी कुछ लोगों का ध्यान तो इस वीक में ही स्पिरिचुअलिटी पे जाने वाला है। पहली बार आप उस स्पिरिचुअलिटी को महसूस करोगे। कुछ लोग जो है उस स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और उसे एंजॉय कर रहे हैं, उसमें उनको उस पर ट्रस्ट है, फेथ है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप इतना हाई तौबा नहीं मचा रहे हो, खुश हो अपनी लाइफ में। आपकी वर्क प्लेस पे मुझे आप बैलेंस आते हुए दिख रहा है। अगर कोई इमोशनल मैच चल रहा था, कोई ड्रामा चल रहा था आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें चली गई थी, कोई फाइट चल रही थी, तो इस वीक में मिड ऑफ वीक तक थोड़ा बहुत चीज़ें आप हैंडल कर पाओगे, बैलेंस आती हुई दिख रही है। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। सिंह राशि, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि सेजिटेरियंस यानी धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर धनु राशि 4 से 10 सितंबर 2022 धनु राशि के लिए क्या सुन लेके आएगी। सो आपका मास्टर कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस। सो डेफिनेटली धनुराशि 6 नंबर 51 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जून का महीना आप में से काफी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, आप अपनी हीलिंग में व्यस्त हैं। सिचुएशन शायद अभी बहुत पॉजिटिव नहीं है आपके लिए, लेकिन आप अपने पूरी ताकत लगा के खुद को हील कर रहे हो, खुद को खुद की लाइफ पे खुद का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। वी हैव 3 ऑफ कप्स 6 ऑफ पेंटिकल 9 ऑफ सोर्ड्स 6 ऑफ वॉन्ड्स डेथ एंड एस ऑफ कप्स। सो आपकी हीलिंग जो है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको कोई चीटिंग मिली है, आपके साथ कुछ किसी ने कुछ गलत किया है जिसका आप जस्टिस चाहते हो, आप वेट कर रहे हो कि आपके फेवर में चीजें आए, ठीक है, और उन खराब सिचुएशन से अभी आप हील कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि वो आप उनसे निकल जाओ। कुछ लोग जो है वो धनु राशि के थोड़े से डिस्टर्ब दिख रहे हैं। जैसे इस वीक में दो तरह की एनर्जी आएगी, हो सकता है 2-3 दिन आप डिस्टर्ब रहें और 2-3 दिन आप काफ़ी अच्छा फील करें। स्पेशली लव लाइफ में आपके पर्सन आपको हर्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी आप सेपरेशन में हैं तो वो चीज़ें आपको हर्ट कर सकती है, वो सिचुएशन आपको हर्ट कर सकती है इस वीक में। बट मैं देख पा रही हूँ कि आपकी बातचीत या रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। जब आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में सिर्फ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रहे पूरे वीक में, कुछ लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रहे। बट मैं यहाँ पे एक चीज तो देख पा रही हूँ कि कुछ न्यू बिगनिंग्स जरूर होंगी आपकी लाइफ में। वी हैव 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, सो डेफिनेटली बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। अगर अभी नहीं है सिचुएशन में तो मिड ऑफ वीक तक चीजें बैलेंस में आएंगी लव लाइफ में। आपकी करियर बिजनेस फाइनेंस में भी कोई नई चीज रीस्टार्ट होने वाली है, रीस्टार्ट हो रहा है, या तो करियर या न्यू स्टार्टिंग है, न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। हो सकता है कि अभी आपको इस तरीके का लग रहा हो कि एंड है, या ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं करियर में, लोगों से आपकी बन नहीं रही है, लोग डिफरेंट तरीके के हैं, एक आपको उन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, बट धीरे धीरे सिचुएशन वहां भी इम्प्रूव होती हुई दिखेगी। तो आपकी लाइफ में जो भी इम्बैलेंस चल रहा है वो क्लियर होगा मिड ऑफ वीक तक, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। ये था फायर साइन का राशिफल। नाउ हम देखते हैं एयर साइन यानी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह। तो बात करते हैं जेमिनाई की, देखते हैं 4 से 10 सितंबर 2022 मिथुन राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है। वी हैव हॉस्टिलिटी। सो मिथुन राशि, इट सीम्स कि कुछ डिलेज चल रहे हैं लाइफ में, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि काम बन जाए, ऐसे हो जाए, लेकिन चीजें अपने तरीके से आगे बढ़ रही हैं और उस तरीके से जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो नहीं रहा। तो आप में एक गलत नेगेटिव एटीट्यूड आ रहा है कि मेरी इतनी मेहनत करने पे भी चीजें नहीं हो रही, तो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा इम्पेशेंस होना, ठीक है, डिलेज के लिए, या हर चीज को एक नेगेटिव एंगल से पहले देखना कि ये भी नहीं होगा, वो वाली चीजें मैं आपके एनर्जीज में देख पा रही हूँ यहाँ पे। लेट्स सी टैरो से कि 4 से 10 सितंबर 2022 मिथुन राशि के लिए कैसी रहेगी। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव जजमेंट एंड लवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल, यहाँ दो कार्ड हैं दोनों लूंगी, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार।
सो एक चीज तो निश्चित है कि जिस चीज का आप इंतजार कर रहे हो और जो अभी तक नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जीज खराब कर रहे हो, वो फाइनली इस वीक में हो जाएगी। ठीक है, काफी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मिथुन राशि, डोंट वरी, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सूट, जो कि मुझे कह रहा है कि काफी स्टेबिलिटी आएगी इस वीक में। ठीक है, ये स्टेबिलिटी किसी भी लेवल पे हो सकती है, या तो आप कोई डिसीजन बना करके मैरिज जैसा कोई डिसीजन ले रहे हो, या आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज लाइफ काफी स्टेबल रहने वाली है, या अगर आप सिंगल हो, कमिटेड हो, तो आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, डिसीजन बना रहे हो, तो एक स्टेबिलिटी जो है वो मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। वी हैव लवर्स एंड द जजमेंट, मे बी आपने से काफी लोग किसी मिथुन राशि के पर्सन को ही डील कर रहे हैं या तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हैं। दो दो मेजर अरकाना है साथ में। सो यस, लव लाइफ में जो है आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको अपना सोल पर्पस, आपका सोल कनेक्शन मिल सकता है इस वीक के अंदर। आपकी न्यू बॉन्डिंग हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, रिकन्सिलेशन हो सकता है। ठीक है, और फिर से आप एक रोमांस और लव फील करें अपने पार्टनर के साथ, ये वाली फीलिंग है। वर्क प्लेस पे सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, कोई विश आपने मांग रखी है, आप फेथफुल हो, और वही है स्टार का कार्ड है कि आप हील कर रहे हो, फेथ हो रहे हो, डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हो यूनिवर्स से कि ये चीजें मिल जाएं, और उसके लिए खूब मेहनत कर रहे हो। तो इस वीक में काफी मिथुन राशि के लोग मेहनत कर रहे हैं और काफी मिथुन राशि के लोगों को उसके रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव करने की कोशिश करो। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी एयर साइन में सेकेंड साइन यानी लिब्रंस के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। देखते हैं तुला राशि के लिए 4 से 10 सितंबर 2022 का समय कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गाइड कीजिए फॉर तुला राशि। ऑलराइट, अगेन वी हैव हॉस्टिलिटी। सो एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, बिकॉज यही मिथुन राशि का भी कार्ड था। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप लोगों की सेम एनर्जी है तुला और मिथुन राशि की, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। तो सेम एनर्जीज हैं ऑलमोस्ट, फर्क सिर्फ इतना है कि मिथुन राशि के लोग हॉस्टिलिटी या इस तरह की सिचुएशन में इसलिए आए क्योंकि वो डिले फेस कर रहे हैं। तुला राशि के लोग जो हैं वो इस हॉस्टिलिटी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लोग उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने आप हाथ में रखना चाहते हैं, वो किसी और के ऊपर जो है अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, मे बी आप चाहते नहीं हो किसी और को अपनी लाइफ का पावर स्टीयरिंग देना, लेकिन आप हॉस्टाइल हो, आप लिमिट कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो उन चीज़ों को जो आपकी तरफ आ रही हैं। और यस, ये आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मुझे दिख रहा है। तुला राशि 26 या 8, 24 या 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। अगस्त का महीना या जून का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 नंबर और 6 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर हो सकता है। नाउ लेट्स सी तुला राशि की आपके लिए टैरो से क्या मैसेज आते हैं। वी हैव 9 of Swords and 6 of Wands, 8 of Cups and 4 of Wands, Tower and 8 of Wands. ओके, सो तुला राशि, मुझे लग रहा है ये जो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज और हॉस्टिलिटी का कार्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि भविष्य में आपकी चीजें खराब ना हो जाए इसलिए आप अपने काम खुद ही करना चाहते हो, वो यहाँ पे दिख रहा है विद दिस टावर मूवमेंट। कुछ डर है आपके मन में आपके करियर को लेकर के, आपको लग रहा है कि चीजें नहीं हो रही हैं, या हो सकता है आप में से काफी लोगों के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इस वीक हो जाए, जिससे कि आप थोड़े से एक होता है ना थ्रेट मिल जाए आपको कि कहीं आपको बिजनेस फेल ना हो जाए, कहीं आपकी नौकरी चली ना जाए, ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है इस वीक में जहां आपके अकॉर्डिंग चीज नहीं हो। ठीक है, और ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड चेंज होगा, जैसे एक दिन की एनर्जी है ये, लेकिन ये आपको डरा देगी। ठीक है, ये आपके भविष्य पे खतरा कर देगी, वो आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पे 9 of Swords and 6 of Wands है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एक थोड़ा बहुत नेगेटिव कार्ड है। सो इट सीम्स कि या तो आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, कोई एक छोटी सी बात को पकड़ के ओवरथिंक करके परेशान हो रहे हो, या जनरल रीडिंग है इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो ओवरथिंक कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स जा रही हैं, नींद नहीं आ रही, तुला राशि बहुत ज़्यादा कोई बात को पकड़ के बैठे हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अपनी बात को छोड़ रहे हैं, जो बड़ी से बड़ी चीज़ है उस पर भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक नॉर्मल सीक्वेंस में चल रहे हैं।
वी हैव एट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप में से काफी तुला राशि के लोग जो है वो अपने पास्ट को छोड़ के एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं, साइकिल भी नहीं, मैरिज में एंटर कर रहे हैं। या अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिचुएशन में थे तो आप अपनी मैरिज पे फोकस करने वाले हैं इस वीक में। हो सकता है कि अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आप लोगों का कोई सेपरेशन, ब्रेकअप या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए जिससे कि एक पर्सन अपनी एनर्जी जो है वो वापस ले ले। तो यहाँ मैरिज के वाइब्स हैं जो सिंगल हैं या जो शादी करना चाहते हैं उनके लिए, और कुछ लोगों के लिए जो है सेपरेशन के वाइब्स भी दिख रहे हैं मुझे तुला राशि। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू। ये भी मैरिज के वाइब्स हैं लेकिन आप जो है उसे रेजिस्ट कर रहे हो, आप नहीं करना चाहते हो बिकॉज आपको लगता है कि वो मैरिज आपको फुलफिलमेंट नहीं देगी आगे चल के। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा तुला राशि। आगे बढ़ते हैं एयर साइन की नेक्स्ट राशि जो है कुंभ राशि, एक्वेरियन एक्वेरियस। तो देखते हैं एक्वेरियस के लिए 4 से 10 सितंबर 2022 कैसा रहेगा ये वीक। ओवरऑल एनर्जी क्या है एक्वेरियस की? ओके, वी हैव 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरल। सो बेसिकली कुंभ राशि, इट सीन्स कि आपकी इंट्यूशन काफी हाई रहेंगे इस वीक में। अगर आपके मन से आपको ऐसा लगता है कोई भी काम करते हुए कि नहीं ये नहीं करना चाहिए तो उसको मत करना, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए जबकि आपको नहीं भी करना है तो भी आपको कर लेना चाहिए बिकॉज आपकी इंट्यूशन आपको इस वीक में लीड करेंगे कि आपको आगे कहाँ जाना है। ठीक है, एंड आर्कएंजल यूरियल को याद करना जब भी कोई कंफ्यूजन स्टेट आए वो आपको रास्ता दिखाएंगी। नाउ लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आते हैं कुंभ राशि। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर, 10 ऑफ कप्स एंड द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एक तो मुझे दिख रहा है जो वो ये दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपसे अपनी एनर्जीज वापस ले ली हैं, वो चले गए हैं, या आपने उनसे अपनी एनर्जीज वापस ले ली है, आप मूव ऑन हो गए हैं। आपके आपकी एनर्जीज जो हैं वो इंतजार की दिख रही है, जैसे आप किसी का इंतजार कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में कुंभ राशि अपने एम्परर, अपने डिवाइन सोलमेट, ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो, अपने मस्कुलिन एनर्जी का वेट कर रहे हो। मे बी आप ऐसे पर्सन हो जो कि कहीं पे कमजोर साबित हुआ है, वो अपने अंदर उस मस्कुलिन एनर्जी को वेट कर रहा है कि कॉन्फिडेंस आए उसमें, वो बात आए, वो कंट्रोलिंग नेचर आए, या मे बी किसी पर्सन का ही आप इंतजार कर रहे हो। बट यहाँ पे एक इंतजार, एक प्लानिंग किसी की तरफ कैसे आगे बढ़ा जाए वो मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, मून एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि आपकी सिचुएशन प्रेजेंटली शायद बहुत पॉजिटिव नहीं है आपकी लव रिलेशनशिप में, लेकिन इस वीक में आपको कोई ना कोई सेटिस्फैक्ट्री न्यूज, सेटिस्फैक्शन, फैमिली से हैप्पी फैमिली वाइब्स जो हैं वो ज़रूर मिलेंगी, जिससे आपका ये जो एक होता है ना एक नेगेटिव, एक इमोशनल ड्रामा, एक इमोशनल मैस जो है वो खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई एक बड़ा डिसीजन आप ले लोगे अपनी लव लाइफ को लेके, और वो आपको सेटिस्फाइड करेगा, वो आपको खुश भी करेगा। रिकन्सिलेशन के चांसेस तो मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ ये जरूर दिख रहा है कि आप खुद को लेकर के कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो कुंभ राशि, फाइनेंशियली आप चाहते हो आपका फाइनेंस जो है वो अच्छा हो, और उसके लिए आप काफ़ी हार्डवर्क भी करोगे इस वीक में ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती भी नहीं दिख रही क्योंकि आप हार्डवर्क करने को तैयार हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, ईजी नहीं है वो, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारा बर्डन उठाना पड़ेगा तब जा करके थोड़ा बहुत फाइनेंस आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे इंक्रीमेंट, प्रमोशन के चांसेस भी यहाँ पे दिख रहे हैं। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू कुंभ राशि, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशन के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। वाटर साइंस के लिए कैसा रहेगा अगला सप्ताह 4 से 10 सितंबर 2022 वाटर साइन
आपकी पहली राशि है कर्क राशि। देखते हैं कर्क राशि के लिए 4 से 10 सितंबर 2022 कैसे रहेंगे। सो ओवरऑल एनर्जी जो है वो है ऑल टाइड अप। सो कर्क राशि सीम्स की काफी थकान, काफी एंजाइटी फिजिकल और मेंटल लेवल पे आप महसूस करोगे। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत सारा बर्डन हो आपके ऊपर, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और इस वीक में जब आप देखो तो आपको लगे कि आप थक गए हो, आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना फंसे हुए थे कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। कुछ लोगों की हेल्थ भी अफेक्ट हो सकती है, कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस अफेक्ट हो सकती है। सो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक टायर्ड अप की सिचुएशन है, कि थकान से महसूस हो रही है, चाहे तो वो आपके काम करने की थकान है, चाहे काम ना बनने की है, तो वो एक थकान आपको महसूस हो रही है। नाउ लेट्स सी टैरो से क्या मैसेज आते हैं तो क्लियर होगा कि ये थकान एग्जैक्टली में है या आपके इल्यूजन्स है। सो लेट्स सी, वी हैव 9 of Pentacles एंड 4 of Pentacles। Page of Pentacles and 9 of Swords. Ace of Wands and Queen of Cups. Yes, bottom energy है 10 of Wands. काफी responsibilities निभा रहे हो कर्क राशि, और burden तो है आपके ऊपर, ठीक है, या पहले से ही चलता आ रहा है, और आपको इस वीक में realize हो सकता है कि आपने काफी burden अपने ऊपर ले रखा है। आपकी गलती है कि आपने उसे बांटा नहीं और अब वो आपके ऊपर आ गया है पूरी तरीके से। वी हैव 9 of Pentacles एंड 4 of Pentacles, जो कि मुझे कह रहा है कि आपका जो पूरा ये वीक है ये थोड़ा सा फाइनेंसिस की तरफ फोकस रहेगा। या तो खर्चे बहुत हो रहे हैं, आप पैसा बचाने पे लग रहे हो, या फिर पैसा कमाने पे लग रहे हो, ठीक है, या तो जो है उसे बचाना है या फिर कमाना है, ताकि फाइनेंशियल इश्यूज सबसाइड हो सके, क्लियर हो सके। तो पूरा फोकस जो है वो आपके फाइनेंसिस पे है। आप काम भी कर रहे हो उस फाइनेंसिस को अच्छा करने के लिए, अच्छा काम कर रहे हो, खुशी खुशी काम कर रहे हो, उसमें आपके कोई काम नहीं, प्रॉब्लम नहीं दिख रही मुझे। आपकी करियर बिजनेस फाइनेंसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बिकॉज यहाँ काफी पेंटिकल की एनर्जी और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया और क्वीन ऑफ कप्स आ गया। तो इमोशनली आप अपने करियर में, अपनी जॉब में काफी सेटिस्फाइड रहोगे। हो सकता है कुछ नई अपॉर्चुनिटी, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाए, जो भी आप, जिसमें भी आप हीलिंग करके, खुद को मेडिटेट करके, खुद को पॉजिटिव रख के उसमें अपना बेस्ट दोगे कर्क राशि। आपके लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप फैमिली के साथ ही मुझे कुछ इश्यूज दिख रहे हैं कि थोड़े से बर्डन में हो, ओवरथिंकिंग चल रही है, कुछ चीजें चली गई हैं, आपने ध्यान नहीं दिया है। अब विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल आपको ये रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। मे बी कोई छोटा मोटा एक मैसेज कॉल आपको आपके पर्सन से मिले अगर आप वेट कर रहे हो तो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को भी हाइड कर रहे हो, ठीक है, आप अपने इमोशंस, आप किस तरीके से सोचते हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, वो सब आप नहीं बता रहे हो, थोड़े से ईगो में हो, थोड़े से आपको लग रहा है कि सामने वाला समझे आपके इस बर्डन को, बट कोई नहीं समझ रहा है। तो एक ईगो सा आ गया है आप में कि कोई भी नहीं था जब मैं परेशान था, वो वाली एनर्जी में मैं आपको देख पा रही हूँ इस वीक में। ऑलराइट, बट आप अपने करियर में काफी अच्छा करोगे, ये सच है। नाउ लेट्स सी वाटर साइन की नेक्स्ट राशि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। 4 से 10 सितंबर 2022 वृश्चिक राशि। ऑलराइट, दो कार्ड अपने आप आ गए हैं यहाँ पे। सो वी हैव ब्रोकन हार्ट एंड स्ट्रेटजी, और बॉटम एनर्जी है एनवी। सो वृश्चिक राशि चीजें पॉजिटिव नहीं चल रही हैं। डेफिनेटली आप ब्रोकन हो, हार्ट आपका पेन में है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या आपने किसी के साथ गलत किया है और उसका आपको गिल्ट भी है। कहीं ना कहीं आप जेलस भी हो किसी से, आप दूसरे व्यक्ति से कंपटीशन रखते हो, और वो उस कंपटीशन में आपको भी तकलीफ होती है और सामने वाले को भी आप तकलीफ देते हो। स्ट्रेटजी कुछ प्लानिंग कर रहे हो शायद, या तो अपनी हीलिंग के लिए कोई प्लान बना रहे हो कि किस तरीके से अपने ब्रोकन हार्ट को हील किया जाए, और या फिर एक जनरल आपकी कोई प्रोसेसिंग चल रही है, प्लानिंग चल रही है आगे बढ़ने की, दूसरों से कम्पीट करने की, दूसरों से आगे बढ़ने की, कुछ इस तरह का मैसेज मिल रहा है। 3 नंबर 9 नंबर 6 नंबर 21 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
लेट्स सी, 9th ऑफ सितंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है वृश्चिक राशि। देखते हैं 4 से 10 सितंबर 2022 में क्या सब होगा। वी हैव टू ऑफ सोर्स एंड द टावर, मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। सो एक तो सबसे पहली चीज तो मुझे यही दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने किसी को ब्लॉक कर दिया है, आप ब्लॉक हो, सेपरेशन में हो, तकलीफ में हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरीके से आपका हार्ट हील हो जाए, किसी तरीके से आपके सेपरेशन खत्म हो जाए। मे बी अगर ये सेपरेशन आपका नहीं हुआ है तो इस वीक में हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये टावर मूवमेंट, मुझे टावर मूवमेंट क्या है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा चेंज, जो कि सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है और सडनली कुछ हो जाए, तो वही मुझे ब्रोकन हार्ट में, टावर मूवमेंट में और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है। हालांकि आप मैजिशियन एनर्जी में हो, आप खुद की चलाने वाले हो, कंट्रोल करने वाले हो सिचुएशन को, आप बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो किसी से, ऐसा भी हो सकता है। बट ये लोनलीनेस भी आपकी लाइफ में आएगी, ब्रोकन वाली, बिकॉज कुछ तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप डिसाइड नहीं कर पाओगे या किसी को हर्ट कर दोगे या कोई आपको हर्ट कर देगा। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड लियो क्या, स्ट्रेंथ। सो मे बी आप लियो को डील कर रहे हैं, बिकॉज ये भी लाइन है और सिंह राशि का कार्ड है स्ट्रेंथ, तो कुछ लियो से रिलेटेड हो सकते हो आप, और 9 नंबर भी लियोज के लिए सिग्निफिकेंट होता है। यस, ठीक है। सो करियर, बिजनेस, फाइनेंस में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपकी तरफ आ रही हैं। अलग अलग तरीके के प्लान, अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, एकदम जिसकी कोई सीमा पार हो, ठीक है। आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही मिलेगा, और आप भी काफ़ी पैशनेटली, काफ़ी जिसे कहते हैं ना, एक फोकस के साथ अपने करियर में और फाइनेंस पे फोकस करने वाले हो, सो दैट्स गुड। ओवरऑल जो फैमिली लाइफ है या जो पर्सनल लाइफ है वो ही थोड़ी सी अफेक्टेड यहाँ दिख रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि वाटर साइन की लास्ट राशि पाइशियन यानी मीन राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 4 से 10 सितंबर 2022 मीन राशि के लिए, कैसी रहेगी, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। वी हैव 6 चक्रा आर्कएंजल मैट्रन। सो मीन राशि, डेफिनेटली आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको लव लाइफ में कोई क्लैरिटी मिले, बिकॉज एंजल ऑफ लव भी मुझे फोकस हुआ है। किसी चीज को लेके आप परेशान थे, कंफ्यूज थे, तो उसमें अब आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है ना। आप टैरो से देख लेते हैं, अगर आप कंफ्यूज रहे फिर भी इस वीक में, तो आप आर्कएंजल मैट्रन को याद कीजिएगा, वो आपको फुल क्लैरिटी देंगे किसी भी सिचुएशन पे। यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, वाओ, 2 एसेस है यहाँ पे आपके लिए। सो कुछ न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है, रिकंसिलेशन आपका हो सकता है, बात करना चाहते हो किसी से तो बातचीत हो सकती है, जिस पर्सन से आप अट्रैक्शन में हो और आपका क्रश है, कोई मैरिज प्रपोजल देना चाहते हो, उससे डेफिनेटली आपकी बात होगी। एंड करियर, बिजनेस, फाइनेंस पे थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज लव लाइफ पे तो आपका फोकस है। मुझे लग रहा है जैसे काफी मीन राशि के लोग जो हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उसमें से 80% लोगों का ध्यान अपनी लव लाइफ पे ही है और वो उसी पे फोकस कर रहे हैं, और वहाँ कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है। वर्क प्लेस पे मुझे दिख रहा है कि शायद आप थोड़े से डिस्टर्ब हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ एंडिंग्स अगर वर्क प्लेस पे हुई है तो डोंट वरी, वहाँ पे भी न्यू बिगनिंग के चांसेस बनेंगे। कोई पुरानी जॉब छोड़ के आप नई जॉब चूज कर सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है। और कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका पॉसिबल होगा इस वीक में। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है, और जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी तरफ के हैं, तो आप आर्कएंजल मैट्रन को याद करना, वो कंफ्यूजन खत्म होंगे और डेफिनेटली आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे इस वीक में, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा मीन राशि। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अर्थ साइन के लिए हमारे पास क्या मैसेज है 4 से 10 सितंबर 2022 अर्थ साइन के लिए कैसी रहेगी। और पहला जो साइन है यहाँ पे जॉडिक साइन, वो है टॉरस यानी वृषभ राशि। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए 4 से 10 सितंबर 2022
की ओवरऑल एनर्जी क्या है. वी हैव सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरल. सो वृषभ राशि, इस वीक में आपके इंट्यूशन काफी हाई रहने वाले हैं. थोड़ा सा अपनी बोन्स या स्पाइनल बोन्स जो हैं उनका ध्यान रखें. बैक पेन के चांसेस हैं. हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनना. अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपके इंट्यूशन की वॉइस को पहली प्रायोरिटी देना इस वीक में, क्योंकि इस वीक में आपके इंट्यूशन काफी हाई रहेंगे. आर्कएंजल यूरल को भी आप याद कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, वो आपकी मदद डेफिनेटली करेंगे. वी आर द फूल एंड टावर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो वृषभ राशि, इट सीन्स कि वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है. अगर आपकी लाइफ में कोई भी ड्रामा चल रहा था, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम आपने दिया था, कोई भी मैस क्रिएट हो गया था, एम्बैलेंस चल रहा था, वो यहाँ पे मुझे क्लियर होता हुआ दिख रहा है. सिर्फ तब जब आप वो करेंगे जो आपके इंट्यूशन आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ मैंने तीन पारी में कार्ड्स निकाले हैं. एक कार्ड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक कार्ड पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. सो वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस वीक को, अपने कर्मा को जीते हैं. वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स. सो अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया है तो उसमें आपकी सक्सेस हो सकती है. दूसरी चीज, मे बी आप एक कॉम्पिटिशन फील करें अपने आसपास, लोगों से आगे बढ़ने के लिए आपको कहाँ से मेहनत करनी पड़े, स्पेशली अपने वर्क प्लेस पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़े. बट आप अच्छे से प्रूव कर रहे हो. आप थोड़े टाइम बाद अपने कॉम्पिटिशन्स को भी रिलीज कर दोगे कि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आप हो और आपको अपनी हीलिंग करनी है. सो वो एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ऑरा मैं आप में देख पा रही हूँ वृषभ राशि. कुछ लोग डेफिनेटली कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम इस वीक देने वाले हैं और रिजल्ट आया नहीं आया पर एग्जाम जरूर हो सकता है. लव लाइफ में फूल एंड टावर की एनर्जी मुझे कह रही है कि अगर कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है तो रिकंसिलेशन हो सकता है, काफी चांसेस हैं वृषभ राशि. और अगर कोई टावर मोमेंट नहीं चल रहा है तो मे बी आपकी लाइफ में कोई सेपरेशन आए तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं, ठीक है. ज्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सेपरेशन में हो, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे थे लव लाइफ में. अब फाइनली आपकी हीलिंग कंप्लीट होने वाली है. अब फाइनली आप रिस्क लेने वाले हो सेम रिलेशनशिप पे. नाउ वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स. तो कोई न्यू अपॉर्चुनिटी करियर में आपको मिल सकती है, या आप जो है वो वापस जा रहे हो, जैसे कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम खत्म होगी और दोबारा से सब कुछ हील करके आप एंजॉय करने लगोगे अपने वर्क प्लेस पे, या फाइनेंसेस जो आपके बिगड़ गए थे फाइनली वो दोबारा से अपनी बैलेंस में आएंगे तो आपको ठीक लगेगा, सेटिस्फाइड आपका वीक रहेगा. ऑल राइट, नाउ लेट्स सी अर्थ साइन की सेकेंड जो राशि है वो है वर्गो यानी कन्या राशि. देखते हैं कन्या राशि के लिए अगला सप्ताह क्या सब लेके आ रहा है. 4 से 10 सितंबर 2022 कन्या राशि के लिए क्या सब लाएगा. ऑल राइट, वी हैव डोर टू रोमांस. वाओ, सो अगर आपका कोई ब्रेकअप चल रहा है, बिकॉज अभी ब्रोकन हार्ट का कार्ड था, सो अगर कोई ब्रेकअप चल रहा है या आपकी लड़ाई भी हो जाती है तो उसके बाद एक बहुत खूबसूरत अच्छा समय जो है वो आपकी लाइफ में आएगा. मे बी लड़ाई भी हो इस वीक में और मे बी आप मान भी जाओ और डोर टू रोमांस यानी इंटीमेसी, पॉजिटिव पॉजिटिविटी, लव आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओ कन्या राशि. वी हैव 33 नंबर. सो आप में से काफी लोगों का एज हो सकता है 33 या 3 नंबर, 6 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. कन्या राशि, वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वी हैव डेविल एंड सन, वाओ, फाइव ऑफ कप्स एंड चैरियट. सो डेफिनेटली सबसे पॉजिटिव रीडिंग आपकी है, स्पेशली लव लाइफ में कन्या राशि. रिकंसिलेशन हो रहा है, फिजिकल इंटीमेसी आ रही है, प्यार बढ़ रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, और फिर से एक हो रहे हो, फिर से लव और अफेक्शन और केयर आपको फील हो रही है अपने पार्टनर के साथ. किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन भी ऐड हो सकता है. आपके कार्मिक रिलेशनशिप्स में हीलिंग आ रही है, कार्मिक्स के साथ आपके अटैचमेंट अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहे हैं, आप नए कार्मिक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. बट हाँ, रिकंसिलेशन और एक अफेक्शन, एक रोमांस, साथ में समय बिताना, ये सब मुझे आपके लिए दिख रहा है. ओवरऑल एनर्जी भी सिक्स ऑफ सोर्ड्स है, यानी आप
अगर सेपरेशन में थे तो डेफिनेटली आप वापस से उस पर्सन के पास जाओगे. और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी परमानेंट नहीं होती, बट टेम्प्रेरी हैप्पीनेस आपको इस वीक में जरूर मिलेगी. वी हैव फाइव ऑफ कप्स एंड चैरियट, तो मे बी आपका करियर बिजनेस फाइनेंस पे आपका फोकस नहीं है, इसलिए आपसे कुछ गलत डिसीजंस हो सकते हैं जिन पे आपको बाद में रिग्रेट हो सकता है. लेकिन एक बार आप जो है वो आगे बढ़ोगे. कुछ लोगों के लिए क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ऐसा हो सकता है कि वीक के 2-3 दिन जो है करियर बिजनेस फाइनेंस में प्रॉब्लम रहे, बिकॉज आपका फोकस आपकी लव लाइफ पे रहे, लेकिन फिर आप धीरे धीरे वहां पे ग्रो कर लोगे. ठीक है, तो कन्या राशि ब्यूटीफुल रीडिंग, ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, अच्छी रीडिंग है. सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली आपके पर्सन या आप उनकी तरफ जाओगे या वो आपकी तरफ आएंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी अर्थ साइन की फाइनल राशि जो है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए देखते हैं. 4 से 10 सितंबर 2022 कैसी रहेगी मकर राशि के लिए, क्या सत्य क्या रहा है. नेक्स्ट वीक वी हैव द टेम्पल पाथ. सो मकर राशि, आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग में हैं, आपकी लाइफ में पीस सुकून शांति यही आप चाहते हो और यही आपको मिल रहा है. और ये आपको मिल कैसे रहा है, जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो. मे बी आप में से काफी लोग हीलर हैं, टैरो रीडर हैं, या बहुत कोशिश की है उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपनाने की. अभी रिसेंटली ही आप किसी होली डिवाइन प्लेस को विजिट भी कर सकते हो इस वीक में. ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे हो. नाउ लेट्स सी, आपके लिए 12 नंबर और 3 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है मकर राशि. वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ. ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस. मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ. सो डेफिनेटली आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो. ठीक है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही है मकर राशि, आपने एक ही रास्ता ढूंढा है डिवाइन का, अपने जिन भी भगवान ईश्वर गॉड में आप मानते हैं उनका, कि वो आपको सपोर्ट करें और आप इस खराब फेज से लाइफ की निकल जाएं. बिकॉज दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ साइकिल्स चलते हैं, एंड हो जाते हैं, डेथ एंड रीबर्थ होता रहता है. सो उस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ लोग जो हैं कैप्रिकॉन्स, वो निकल गए हैं, एंड चल रहा है. कुछ लोग बीच में फंसे हुए हैं, तो अभी ये चलेगा जर्नी. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का चेंजेस आएंगे अभी आपकी लाइफ में. आपको बटरफ्लाइज काफी दिख रही हो सकती है, या इस वीक में दिखें, ऐसा हो सकता है. वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो, तो मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफी लोग इस वीक में कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, और ये डिसीजन आपके करियर के लिए भी हो सकता है, ये डिसीजन आपकी लव लाइफ के लिए भी हो सकता है. लेकिन डिसीजन जो है वो आप प्रैक्टिकल बेसिस पे होगा, कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन आप करोगे. आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां मैं देख पा रही हूँ, या तो ईगो है, या ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, या दोनों ही काफी स्ट्रांग लोग हो, तो बैलेंस नहीं बन पा रहा है आपकी लव लाइफ में. और इस वीक में हो सकता है कि आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, या आप लोग अपनी एनर्जीज वापस ले लो, या आप साथ में भी रहो तो एक तनाव और एक हेडेक जो है वो आपके लाइफ में रहेगा, एक नेगेटिविटी जो है वो रहेगी आपकी लव लाइफ में, जिससे कि समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन रहेगा कि ये पार्टनर के साथ रहना चाहिए या नहीं. ठीक है, वी हैव क्वीन, और हो सकता है कि ये सारे ट्रबल्स की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, कि अब भी कोई साथी नहीं है, कोई नहीं है सिवाय डिवाइन पावर्स के. वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, तो अपने करियर बिजनेस फाइनेंस में मुझे लग रहा है कि आपका फोकस रहेगा और आप काफी अच्छा परफॉर्म करोगे. आप वहां पे भी अपने लिए जस्टिस चाहते हो, बेसिकली आप अपने कर्मा की हीलिंग कर रहे हो. जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है वो सब कार्मिक साइकिल्स हैं, और वही मैंने कहा कि उस कार्मिक साइकिल्स को काटने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता. तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही मुझे बढ़ते हुए इस वीक में दिख रहे हो. डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बट काफी ऑब्स्टिकल, काफी परेशानियां आपने झेली हैं या इस वीक में आ सकती हैं, बट आप हार नहीं मानोगे. डोंट वरी, आप बिल्कुल स्ट्रांग रहोगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड है. सो आप स्ट्रांगनेस के साथ आगे बढ़ोगे, बट चीजें चलती जाएंगी साथ साथ. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू, होपफुली आपसे रेजोनेट होगा मकर राशि. प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए. बाय बाय.